आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक हो सकता है। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप समय समय पर नए नए फीचर्स अपडेट करता रहता है? यदि आप उन फीचर्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक हो सकता है। और ऐसी शिकायतें हमारे पास समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है। इस समस्या का समाधान के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या फीचर्स व्हाट्सएप ने अपडेट किए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो हम आपको आज बताते हैं किस तरह से व्हाट्सएप को जो फीचर्स दिए हैं वो इनेबल करना है। तो अपन व्हाट्सएप में जाएंगे। यहाँ से व्हाट्सएप में जाने के बाद जो साइड में जो ऑप्शन निकल के आते हैं वहाँ से हम इसे देखेंगे। यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि अगर आपसे कोई कोड भी ले लेता है, अगर आपसे कोई व्हाट्सएप चलाने के लिए कोड लेता है, तब भी अपन इस टू स्टेप वेरिफिकेशन की वजह से वो व्हाट्सएप को चालू नहीं कर पाएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन में एक 6 डिजिट का कोड डाला जाता है। तो मैं आपको ये कोड डाल के दिखा रहा हूँ, आपको साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा। 2 बार वो डाला जाता है, रीवेरीफाई किया जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कोड नहीं पता होगा तब तक वो व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसमें ईमेल का ऑप्शन आता है, तो ईमेल के ऑप्शन के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं, या आपके पास मेल आईडी है तो आप मेल आईडी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में हम जाते हैं तो प्राइवेसी में आपको दिखाई देगा जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। इस पर जैसे मेरा माई कॉन्टैक्ट एंड एवरीवन किया हुआ है मैंने, प्रोफाइल फोटो, अबाउट, माई स्टेटस। इसमें आप नीचे जाते हैं तो आपको दिखाई देगा ग्रुप। ग्रुप में जैसे ही अपन जाएंगे तो वहां देखेंगे एवरीवन है मेरा। लेकिन एवरीवन में क्या होता है, कोई भी अननोन पर्सन आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई गलत ग्रुप बना लिया या कोई फ्रॉड ग्रुप बना लिया, उसमें आपको ऐड कर लिया, कोई लिंक भेजी जा रही है, कोई फोटो भेजे जा रहे हैं, आपका नंबर भी शेयर हो जाता है, उससे बहुत जगह नंबर पहुंच जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इसे माई कॉन्टैक्ट कर देते हैं। इससे क्या है कि आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव है वही लोग आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई नहीं कर पाएगा। तीसरा स्टेप आता है इसमें, अपन यहाँ से प्राइवेसी से वापस जाएंगे। तीसरा ऑप्शन के लिए फिर से हम प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको दिखाई देगा ग्रुप्स के बाद लाइव लोकेशन, उसके बाद दिखाई देगा कॉल्स का। तो कॉल्स में हम जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है साइलेंस अननोन कॉलर्स। ये मेरा अभी डिसेबल है, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। ये मेरा इनेबल हो गया। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं वही आपको वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्यों किया गया है, ये व्हाट्सएप ने क्यों अपडेट किया है कि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। वीडियो कॉल के माध्यम से आपको कॉल करेगा कोई व्यक्ति और सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा होगा कोई, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसका गलत फायदा उठा के वो आपको फिर पैसे मांगेंगे, आप पे दबाव बनाएंगे, आपको बोलेंगे मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और ये कर दूंगा। तो इस तरह से वो आपको धमकी भी देंगे। हो सकता है कि आपको पैसे के लिए वो बोलें कि मैं यूट्यूब की क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ या दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको वीडियो कॉल पे हो सकता है कोई वर्दी पहन के भी बैठा हुआ दिखाई दे जाए। ये सारा का सारा उनका सेटअप रहता है, उसमें ना तो कोई कहीं पुलिस इन्वॉल्व रहती है, ना यूट्यूब का कोई ऐसा कुछ रहता है, उसमें किसी कुछ नहीं रहता, सारा का सारा उनका सेटअप रहता है। भाई तुरंत पुलिस बन जाते हैं, भाई फ्रॉडस्टर बन जाते हैं, भाई कॉल करने वाले बन जाते हैं, सब भाई रहते हैं। तो इनसे सावधान रहने के लिए ये व्हाट्सएप ने जो नया जो फीचर्स अपडेट किया है ये आप जरूर ध्यान रखिए और ये अपने मोबाइल में करके रखिए। इससे आपका व्हाट्सएप कभी हैक नहीं होगा, आप कभी किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे